और मेरा यह 100% विश्वास है, संकल्प है, इरादा है और ये जज्बात रखते हैं कि मैं यस इस तरह से अच्छे काम करूं। यदि आज हम ईमानदारी 5 साल दिखाएंगे तो फिर आगे का भविष्य हमारा बढ़िया रहेगा कि ताकि वहाँ के आम जनता को लगे कि यहाँ के वार्ड पार्षद में ये दम है कि सरकार से जो भी योजना आ रहा है उसका 100% लाभ हम दिलवाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। पानी यदि नल आ जाता है, यदि नगर पंचायत में हम लोग नाला बना देते हैं तो ये उस पंचायत के लिए, उस वार्ड के लिए रामबाण हो जाता है। क्योंकि नगर पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज समाप्त हो गया है। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गज जब से यह सिमराही नगर पंचायत हुआ है तब से सभी अपना अपना भाग आजमाने लगे हैं और इसी नगर पंचायत में चुनावी दौर चल रही है और इस चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज इस पंचायत के, नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 से हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है जो गणेश प्रसाद उर्फ चंदूदास जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। एनके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने सारे प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 में और आपको तो कहीं ना कहीं कुछ तो फीडबैक हम में देखे हैं या कुछ न कुछ देखे हैं, तब तो आप हम तक आए हैं इंटरव्यू लेने। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो किस तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कितना जन समूह है, वार्ड के हमारे साथ कितने जन समूह है और उन्हीं लोगों के विशेष अनुरोध से आज मैं नामांकन भरने आया हूं और आप भी यहां जन सैलाब देखे, सारा चीज आप भी देख रहे हैं, लेकिन उतने में आपको लगा कि नहीं ये आदमी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप तो कहीं भी इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू लेने का जो ये है कि लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ वार्ड नंबर 6 का कुछ आगे भविष्य उज्ज्वल है, तब तो आप मेरे पास आए हैं। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आप उस योग्य हमको समझे हैं और खास करके हम वार्ड नंबर 6 के सभी मतदाताओं का भी बहुत बड़ा आभारी हूं कि जो कि मेरे साथ हैं वो हमको तन मन से पूरा सहयोग कर रहे हैं और मैं भी उस पर 100% खड़ा उतरूंगा ताकि आगे का राजनीतिक हमारा बहुत बेहतर चल सके। चुनाव का आज जो नामांकन का आखिरी दिन था और आपने आज नामांकन पर्चा भरा है, क्या चुनावी तैयारियां हैं और किस मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो आरक्षण लेके जो हुआ है और राजनीतिक जिंदा रखने के लिए मेरा तो उम्मीद था कि वाइस चेयरमैन से हम खड़ा हो, लेकिन क्योंकि आरक्षण के वजह से और महिला सीट होने के वजह से मैं उस पर चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वार्ड पार्षद 6 में जो आरक्षित सीट अन्य है उससे मैं चुनाव अभियान चालू किया हूँ और मेरा यह 100% विश्वास है, संकल्प है, इरादा है और ये जज्बात रखते हैं कि मैं यस इस तरह से अच्छे काम करूं कि ताकि वहाँ के आम जनता को लगे कि यहाँ के वार्ड पार्षद में ये दम है कि सरकार से जो भी आमदनी होता है, जो भी योजना आ रहा है उसका 100% लाभ हम दिलवाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। यदि आज हम ईमानदारी 5 साल दिखाएंगे तो फिर आगे का भविष्य हमारा बढ़िया रहेगा, चाहे वह नाला संबंधी हो, रोड संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, जो बच्चा स्कूल तक नहीं जाता है हम कैंपेन करके वह बच्चा को स्कूल तक जरूर पहुंचाएंगे और उसको शिक्षा जरूर देंगे। अभी पानी का सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे NH पर पानी बह रहा है, इस समस्या में हम दिन रात लग के जो है वह पानी की समस्या को दूर करेंगे, नाला बनवाएंगे, इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़ेगा हम उसके लिए सरकार से लड़ेंगे। जी जैसा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके बारे में मुझे तो फीडबैक मिला है कि आप निरंतर प्रयास करते रहे हैं और समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व, और आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जो आपने अभी बताया। मैं आपसे, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपको एक मिनट रोकूंगा, मैं निर्णय नहीं लिया हूं, हमारे वार्ड परिषद 6 के आम आदमी जो है, जो हमारे मतदातागण है, उन्होंने निर्णय लेके हमको यहां खड़ा करवाए हैं। यानी कि जो वार्ड नंबर 6 के जी, जो जनता है उन्होंने आपको चुनावी मैदान में उतारा। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी प्रत्याशी को अगर जनता का सपोर्ट मिलता है और उनके कहने पर मैदान में उतरते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए वाकई आपने कुछ बेहतर किया होगा तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको देती है क्षेत्र में और आप उन समस्याओं को जानते हैं, उन जन समस्याओं को जानते हैं जो लोगों तक हर संभव पहुंचना चाहिए, जो उससे कोसों दूर है, उससे वंचित है समाज के लोग, तो
तो क्या आपके क्षेत्र में आप जब प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिलती है तो आपको कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करने का आपने ठान रखा होगा कि हमें अगर मौका मिलती है तो हम कौन सा काम पहले करेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 6 का जो समस्या, मेरा घर वार्ड नंबर 6 में ही है। मैं हर तरह से जानता हूँ यहाँ पर क्या समस्या है, क्योंकि हम अदर वार्ड से नहीं इसमें आए हैं। इस वार्ड में मेरा घर है और हम आम आदमी से डेली मिलते हैं, क्योंकि उस होके मेरा जाना आना है। हर एक आदमी हमको जानता है कि ये आदमी कुछ कर सकता है। क्योंकि जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है कि NH में जो भी लोग बसे हुए हैं, एक तो सरकार अधिग्रहण कर दिए हैं, थोड़ा बहुत जमा बचा हुआ है, और वह पानी यदि नल आ जाता है, यदि नगर पंचायत में हम लोग नाला बना देते हैं, तो ये उस पंचायत के लिए, उस वार्ड के लिए रामबाण हो जाता है, क्योंकि पानी का समस्या ही बहाने का दूर हो जाएगा। जो कि नाला होना चाहिए वो नहीं है, उसको नहीं, अभी तक नहीं है। और ये हम वचन देते हैं कि उसको जो है, जैसे ही यदि हम जीत जाते हैं जी, तो हम उसको जरूर करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गणेश प्रसाद दास उर्फ चंदू दास जी को। इनका साफ कहना है कि पंचायत में जो सिमराही नगर पंचायत हुआ, तो वार्ड नंबर 6 से यहाँ के जनता ने मुझे एक उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतारा है कि अगर कोई भी प्रतिनिधित्व करने का मुझे अगर सही व्यक्ति लगते हैं तो चंदू जी हैं। और इनका भी नियत साफ है कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलती है तो हम इस समस्या से, जो सबको सबसे ज्यादा यहाँ की समस्या है वार्ड नंबर 6 की, जो NH से होकर के जो बगल में पानी रहता है, पानी से जो बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है, गाड़ी वाहन सही से नहीं चल पाते हैं, तो नाला का निर्माण करना जो कि पानी को सही रास्ता से निकासी कर देना, ये सबसे बड़ा समस्या है। और आपको बता दें कि ये समस्या सिर्फ सिमराही का ही नहीं, वार्ड नंबर 6 का ही नहीं, कई जगहों का यह समस्या है। और ऐसे जो जनता के बीच खड़ा उतरने का अगर कोई भी नेता काम करने का प्रयास करेंगे तो वाकई उनका दिल काबिले तारीफ है और वह जरूर करेंगे। बता दूं कि जब से नगर पंचायत सिमराही हुआ है, यहाँ के लोगों को एक उम्मीद से जग गई है कि अब ग्राम पंचायत से हम लोग नगर पंचायत में आ गए हैं। तो जो भी सरकार के द्वारा लागू किया गया जो भी योजना है, जो एक नगर पंचायत में होना चाहिए, उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे अगर चंदू जी को यहाँ की जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। फिलहाल इतना ही। सहयोगी सुरेश कुमार सिंह के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। अपनों का शहर, सपनों का घर, विदेशी सुविधाओं से लैस सुपर टेक्नोलॉजी डिजिटल होम, स्पेशल ग्रीन प्लांट, बागीचा, प्लेग्राउंड, हेलीपैड, मल्टीप्लेक्स, वर्टिकल गार्डन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित फुली ऑटोमेशन पैनोरमा ग्रुप नए भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट, नंबर 1 इन बिहार। ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया, बाईपास रोड पूर्णिया। बुक नाउ, कॉल 1800 120 2111।